अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसी हैं मेरी प्यारी सिस्टर्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज मैं गई हुई थी नादी शिबा और मेरे हस्बैंड को वहाँ कोई काम था, उनकी मीटिंग थी। मैंने कहा चलें आप मुझे भी साथ लेते जाएं, मैं फ़्री थी और अगर हम वहाँ से जल्दी फारिग हो जाते हैं तो हम लोग फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट चले जाएँगे। सो मैं उनके साथ आ गई और हमारा काम जल्दी ख़त्म हो गया और वापसी पर अभी हम जा रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट। तो मैंने कहा चलें मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ दुबई की फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट कैसी होती है। मेरे घर से अराउंड 15 to 20 किलोमीटर दूर है, जाती तो मैं इस रास्ते से कई दफ़ा हूँ। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली हम डेली गुजरते हैं लेकिन कभी हम उसमें नहीं हुआ कि टाइम ही नहीं मिला, बस एमरजेंसी में गुज़र गया। तो मैं इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट गई हूँ और वहाँ चीज़ें काफ़ी सस्ती होती हैं, सुपरमार्केट और मॉल की निस्बत प्राइस बहुत ज़्यादा लो होती है। सो आज हम विज़िट करेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का, तो आप मेरे साथ रहें और देखें दुबई की फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट सब्ज़ी मंडी फ्रूट मंडी कैसी होती है आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। कम लेट्स गो। मैं पहुंच गई हूँ सब्ज़ी मंडी और ये यूनियन कोऑपरेटिव की यहाँ एक मॉल है, उसकी पार्किंग है और हालांकि इस टाइम दिन के 4 बजे हैं और लेकिन इस टाइम भी पार्किंग मिलना मुश्किल है। हवा चल रही है लेकिन लू है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और आज मुझे प्यास भी काफ़ी लगी है क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल पिक भी ड्रॉप भी मैंने किया था और पिक भी मैंने ही किया है उदैबिया को, तो इसलिए मैं आज 2-3 दफ़ा बाहर निकली हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगना स्टार्ट हो गई है। और आज अभी मैं सब्ज़ी मंडी आ रही हूँ तो इधर भी गर्मी है, तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं रोड के अपोजिट साइड पे, वो जो सामने आपको शेड नज़र आ रहे हैं ब्राउन से कलर के, उसके अंदर सब्ज़ी मंडी के डिफरेंट स्टाइल हैं। ऐसे ओपन सब्ज़ी मंडी नहीं है कि बिल्कुल मीन उसके ऊपर कुछ भी वो शेड वगैरह ना हो, तो ये सब्ज़ी मंडी के स्टॉल शुरू हो गए हैं सारी इसके अंदर है। ये उसके एक कॉर्नर है, मैं इसी में ज़्यादा जाती हूँ क्योंकि पार्किंग इसके नज़दीक ज़्यादा पड़ती है। और जाती दफ़ा ये बाहर आपको नज़र आ रहे होंगे ये रेडी लेके बाइक खड़े होते हैं, ये हमें हमारी हेल्प के लिए कुछ ना कुछ बेचारों को जो चार्जेस दे दें 10 dirham 15 20 जितने भी दे दें, तो ये हमारे साथ साथ रहते हैं और हम जो भी शॉपिंग करते हैं वो अपनी ये इस रेडी में रख के तो फिर हमें हमारी गाड़ी तक ड्रॉप कर देते हैं, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो अभी ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इनको हायर करें या ना करें, लेकिन हमने इनमें से एक भाई को अपने साथ ले लिया है और वो अभी हमारे साथ साथ चलते रहेंगे और हम जो भी चीज़ ख़रीदेंगे उनकी उस रेडी में रख लेंगे और वो हमें हमारी गाड़ी तक ड्रॉप करेंगे। तो हमने सबसे पहले जिस मकसद के लिए मैं आई थी वो था तरबूज वाटरमेलन, और वाटरमेलन इधर आके मुझे इतनी खुशी हुई है, इतना वाटरमेलन जो है वो चीप के उसकी प्राइस इतनी कम और इतना अच्छा फ्रेश वाटरमेलन। और यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा बिक रही थी जो मैंने लोगों को देखी है जिनकी रेड़ियाँ फुल हुई थी वो था वाटरमेलन, और ये वाटरमेलन तरबूज आता है ईरान से और ये ईरान का तरबूज है और बहुत मीन के मीठा और सही रेड वाला और इसमें अंदर सीड्स बड़े कम होते हैं। तो मैंने भी कहा कि चले शुरुआत करते हैं हम लोग इसी से वाटरमेलन से, तो हमने इधर से तरबूज का रेट पूछा, उन्होंने मुझे कहा रेट 150 dirham पर केजी, यानी 1.5 dirham का 1 kilo, लेकिन मैंने उसे कहा नहीं भाई कम करो, तो उसने फिर मुझे 1 dirham में ये देना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने इसे 4 तरबूज इनसे ले लिए और उसके बाद मैं इन्होंने इसका वेट किया और ये 28 केजी इनका 4 का वज़न बना, काफ़ी बड़े बड़े ये तरबूज मैंने लिए तो देखें, लेकिन उसके बाद फिर भी मुझे तसल्ली ना हुई। मैंने कहा भाई पता नहीं ये अंदर से रेड निकले ना निकले, आप टेस्ट करके दे सकते हैं। उसने कहा हाँ नो इशू, आप चेक करवा लें, अगर कच्चा निकला तो मेरा, पक्का निकला तो आपका। ये बंगाली भाई था तो उसने देखें एक इतना बड़ा, जैसे मैंने कहा छोटा सा ऐसे ना तुम कट लगाओ, इसने इतना बड़ा कट लगाया और उसने मुझे दिखाया, मैं एक ही देखती गई तो मैंने कहा हाय ये तो माशाल्लाह बहुत रेड निकला है देखें। और फिर अभी ने कहा नहीं नहीं रहने दो, बाकी ऐसे कट ना करवाओ कि ऐसे ही सबको तुम कट करवा रही हो, क्योंकि एक और हमारे साथ एक और भी बंदा खड़ा हुआ था जो ये ले रहा था वो भी तकरीबन सबको लगवा रहा था और उसके सारे ही रेड निकल रहे थे। सो मैंने अपनी जो है शॉपिंग फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट से वो तरबूज से स्टार्ट की, हमने तरबूज लिए और तरबूज लेने के बाद हमने कहा कि फिर हम कुछ और बाय करते हैं।
उसके बाद ये देखें जी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का व्यू। यहाँ भी इस टाइम लेडीज़ तो कम थी क्योंकि वर्किंग डे भी था और 4 बजे धूप और गर्मी थी। हम लोग तो उस तरफ गए हुए थे, हमने कहा कि जाएं, लेकिन ये फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट रात 12 बजे तक ओपन होती है। सिर्फ दिन में ही नहीं, ये दिन और रात में ओपन होती है और ज़्यादा लोग इफ्तारी के बाद इधर शॉपिंग करने जाते हैं, तो इसलिए दिन में लोग कम होते हैं। दिन में सिर्फ चंद लोग ही हैं, आप देख रहे होंगे इसमें इतना रश नहीं है जितना होना चाहिए। और यहाँ लेडीज़ भी इस टाइम कम थी और मैं थी, मुझे कुछ अजीब तो आज फील हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो जाने दें, कौन सा मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आई हूँ या सिर्फ इधर मैं ही लेडीज़ हूँ। कुछ ना कुछ और फिलिपिनो और मिस्री लेडीज़ जो हैं वो घूम रही थी। तो इस फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में आपको दुनिया का हर फ्रूट, दुनिया की हर सब्ज़ी मिलेगी और बड़ी डिस्काउंट प्राइस में। दुबई में के रहने वालों ने अगर किसी ने ट्राई नहीं किया तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, लेकिन उसके लिए सिर्फ इतना होना चाहिए कि फैमिली बड़ी होनी चाहिए, हमें थोड़ी सी ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ती है। तो कुछ चीज़ें जो ख़राब नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल प्याज हो गए, लहसुन, अदरक, ये चीज़ें तो ख़राब नहीं होती। ये तो अगर ज़्यादा मिकदार में हम ख़रीदेंगे तो हमें उतनी ही चीप पड़ेगी, तो आप इसका ज़रूर विज़िट करें। मैं क्यों आज गई थी, मुझे मैं तरबूज के लिए गई थी और मैं ऑरेंज के लिए गई थी। ये दोनों चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी थी और इसकी वजह से मैंने हस्बैंड को काफ़ी दिनों से कह रही थी कि हम लोग चक्कर लगा लेते हैं, रमज़ान से पहले मैंने इनको कहा था और हमारा रमज़ान अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन बस मेरे हस्बैंड भी सुस्ती कर जाते हैं, बात सुनी अनसुनी कर दी, कोई नहीं रिस्पॉन्स दिया, खैर है इधर से ही ले लो, ये वो, इतने का तुमने पेट्रोल जला देना है, औरतें आप लोग ऐसी करती हो, मतलब इस तरह मजाक में मेरी बात टाल दी। खैर आज तो फिर मैं उनके साथ तैयार हो गई और मैं हूँ उनके साथ अभी फिर रही, वो भी मेरे साथ साथ शॉपिंग कर रहे हैं। तो देखें यहाँ का मैंने व्यू आपको दिया है कुछ ना कुछ के लोग यहाँ काफ़ी शॉपिंग कर रहे हैं, दूसरे लोग भी। उसके बाद हम एक और ये भाई हैं, इन्होंने हमें ज़बरदस्ती रोक लिया और इनके पास थी चेरी, और चेरी हालांकि हमारा लेने का माइंड नहीं था, लेकिन हस्बैंड को अच्छी लगती है, लेकिन इन्होंने हमें बड़ी अच्छी ऑफ़र दे दी चेरी की, तो हमने इनसे 3 kg चेरी का एक सौदा कर लिया। हमने इन्हें कहा कि हमें 3 kg चाहिए तो आप क्या प्राइस देंगे, तो इन्होंने हमें डिस्काउंट प्राइस दी, तो हमने उनसे चेरी भी ख़रीद ली। और देखें तरबूज कितना लाल, और पूरी मंडी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ नज़र आने वाली थी वो था तरबूज, और ख़रीदने वालों का भी सबसे ज़्यादा जो रुझान था वो तरबूज ही ख़रीदने वालों का। और यहाँ हर किस्म के लोग जिनकी फैमिली स्पेशली बड़ी फैमिलीज़ हैं, ज़्यादा लोग हैं, वो यहाँ से शॉपिंग करने आते हैं। जो छोटी सी फैमिली है, 1-2 मेंबर्स हैं, उनके लिए ये चीज़ वैसी महंगी पड़ती है आना, फिर ये चीज़ इस तरह नहीं देते। आपने अगर 1 kg लेनी हो तो वो आपको वही सुपर मार्केट की प्राइस में पड़ जाती है, तो इसलिए वो आने का फ़ायदा नहीं। फिर इसी तरह मैंने कहा कि मैं चलें धनिया भी ले लेती हूँ, धनिया इतना फ्रेश, मुझे ये जो ग्रीन लीव्स वाली है ना वेजिटेबल, ये मुझे इतना अट्रैक्ट करती है ना, बिलीव मी, कि मेरा दिल करता है कि मैं घर में ऐसे ये नहीं भी ज़रूरत ना पूरी सजा लूँ। तो हस्बैंड ने हालांकि मुझे कहा है कि धनिया तुमने कल लेके आई हो ना लो, मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, खैर है कि, तो मुझे 5 दिरहम की इतनी बड़ी इन्होंने गट्ठी दे दी, तो मैंने वो धनिया भी ले लिया, बल्कि मेरा दिल था पुदीना लेने को। हस्बैंड कहते हैं कि जब तुम्हें चाहिए नहीं तुमने क्या करना है ये, तो तुम मत लो। खैर मैंने उनके वो रोकने के बावजूद ये धनिया भी ले लिया, और देखें मैं अब ग्रीन लीव्स वाले एरिया में आई, मैंने कहा ये रेड, ये वो रेडिश है, मूली सुराख और पुदीना धनिया सारे इतने फ्रे, हालाँकि गर्मी बाहर की, अगर बंदा गर्मी को देखे और अंदर की वेजिटेबल को देखे बंदे को वैसे ही मज़ा आ जाता है। और यहाँ लोकल भी काफ़ी आई हुई थी फैमिलीज़, लेडीज़ भी और उनके जेंट्स भी, जो क्योंकि लोकल यहाँ की काफ़ी बड़ी बड़ी फैमिलियाँ हैं, सो वो मोस्टली शॉपिंग यहाँ से ही करते हैं। तो यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ जो आपको चाहिए हो, जो फ्रूट आपको चाहिए हो, जो वेजिटेबल आपको चाहिए हो, ईज़ली और चीप। और फिर यहाँ के जी हमने कहा कि इन्हें पूछते हैं, एक पाकिस्तानी आम हमें किधर नज़र नहीं आया, तो उन्होंने हमें बताया कि इससे बैक वाली एक रो है, उधर आपको जाएंगे तो पाकिस्तानी आम आपको डिस्प्ले में नज़र आ जाएगा। तो हम अभी आए हैं, तो ये जो अभी इधर अंकल खड़े हैं जो चीज़ ये बेच रहे हैं, हम इनसे पूछा, उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी आम है, ये येलो येलो था, हमने कहा अभी सॉरी येलो नहीं था,
ग्रीन ग्रीन था, हमने कहा कि ये सही येलो क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये अभी कल ही आया है उधर से, तो आहिस्ता आहिस्ता ये पक जाएगा। तो हमने इनसे कहा कि चलें एक पेटी दे दे, लेकिन पहले इन्होंने हमें प्राइस काफ़ी ज़्यादा बताई। यहाँ बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है कि अगर आप, इन्होंने हमें बताया था 30 दिरहम पर केजी मैंगो, लेकिन हमने इन्हें कहा नहीं ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है, और हमने मार्केट में चेक की हुई थी ग्रॉसरी पे तो वहाँ 10 दिरहम थे, तो हमने कहा आप कैसे 30 वेजिटेबल फ्रूट मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने हमें 10 दिरहम के हिसाब से ही दिया, मीन के 30 और फिर 10, इतना डिफरेंस होता है। इसी तरह ऑरेंज हैं, तो ऑलमोस्ट मुझे सब चीज़ों की प्राइस मालूम थी। आपको भी ये पता होना चाहिए कि फ्रूट की या वेजिटेबल की प्राइस मार्केट में क्या है, तो ही आप वहाँ अच्छी तरह शॉपिंग कर सकते हैं और उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं। ऑरेंज भी बहुत ज़्यादा सस्ता था वहाँ, काफ़ी प्राइस ऑरेंज की भी कम थी। यहाँ तो ग्रॉसरी से समटाइम लें तो वो 1 दिरहम का 1 पीस देते हैं, अगर मॉल से लें तो वो भी आपको 5 दिरहम 6 दिरहम पर केजी मिलता है। लेकिन यहाँ हमें जो ऑरेंज था स्पेन का था और मिस्र का, वो हमें 1.52 दिरहम पर केजी में पड़ा है, हम ले के आए हैं। तो आज बड़ी मज़े की शॉपिंग हुई है, बड़ा मुझे मज़ा आया कि दिल करता है बंदा ये भी ले ले ये भी ले ले। आगे मेरी इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, मेरी छोटी सी फैमिली है, तो हमारे में तो हम, और इवन के सम टाइम पहले मैं जब जाती थी तो सब्ज़ियाँ लेने ना मैं गई हूँ, एक जब अभी गर्मियों में मैं नहीं जाती, मुझे उलझन होती है गर्मियों में, तो सर्दियों में मैं जाती तो ले के आती, फिर हम लेबर को दे देते थे, जैसे हम गोभी ले आए, मटर ले आए, ऐसी चीज़ें हमने लानी और फिर लेबर को आदि आदि देते थे, हम लोग उनके साथ डिवाइड कर लेते थे। लेकिन ऐसे अगर ले के आएँ सिर्फ अपने लिए तो मेरी इतनी फैमिली है नहीं, और इसलिए फिर वो चीज़ें पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है, ये जो रेहड़ी वाले भाई होते हैं ना, ये बेचारे अंदर जगह जगह घूम रहे होते हैं ऐसे रेहड़ी लेके, और बार बार इन्हें तो नहीं पता होता कि जो हमारे साथ है एक बंदा हमारे पीछे पीछे आ रहा है वो हमारी ऑलरेडी उसको हमने बुक किया हुआ है, तो ये बार बार पूछते हैं। मुझे इस पर तरस भी बड़ा आता है, बेचारे ये लोग कस्टमर के पीछे पीछे और रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हमारी हेल्प चाहिए नहीं चाहिए, तो सम टाइम इस तरह के लोगों को देख के फिर बड़ा दिल परेशान होता है। तो यहाँ लेमन भी थे, ये पाकिस्तानी लेमन, यहाँ वैसे आमतौर पे ये जो बड़ा बड़ा लेमन साइज़ का है ना, वो जो ऑरेंज आपको नज़र आ रहा है येलो सा, वो यूज़ होता है, या ये ग्रीन वाला ये जो अंकल टच कर रहे हैं, तो ये फ़र्स्ट टाइम इधर पाकिस्तानी मैंने देखा है मंडी में। ग्रोसरी से तो मिल जाता है लेकिन मंडी में मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ, और काफ़ी इसकी प्राइस भी ज़्यादा थी, लेकिन खुशबू इसी लेमन की ज़्यादा होती है और टेस्ट भी इसी का अच्छा लगता है। तो हमने भी ये लेमन कल ग्रॉसरी से मंगवाए थे, इसलिए हमने कहा भी रोज़े भी कम रह गया तो ये इतने यूज़ नहीं होने। उसके बाद जी ये मैं आई, मैंने कहा प्याज चेक कर लूँ, आलू चेक कर लूँ, तो यहाँ मुझे ये आलू कुछ पाकिस्तानी लोग के नज़र आए हैं, और मैंने आके इस भाई से पूछा है कि ये आलू किधर के हैं, तो इन्होंने बोला कि ये पाकिस्तान के हैं। और मैंने जब प्राइस पूछी तो मुझे पाकिस्तानी मार्केट से काफ़ी, वहाँ तो 15 दिरहम पर केजी होते हैं, लेकिन यहाँ मुझे उन्होंने बोला कि ये जिस तरह उन्होंने रखे होते हैं वो ऐसे पर केजी का ये हिसाब लोग नहीं बताते, जैसे उन्होंने छोटे छोटे ये कार्टन बनाए होते हैं, ये कहते हैं ये इतने केजी का कार्टन है, ये इतने में एक लमसम प्राइस ये देते हैं आपको मिलेगा। फिर मैंने अभी को बुलाया, मैंने कहा आप चेक कर लें हैं पाकिस्तानी, उन्होंने कहा लग तो पाकिस्तानी रहे हैं। लेकिन जब हमने ये ऊपर देखे ये उसके बाद हमें नीचे एक बोरी नज़र आई, तो हमने कहा कि ये बोरी में ज़्यादा हैं, तो आप वो नहीं हमें ये नीचे वाली कंप्लीट बोरी दे रहे हैं, तो हमने उनसे वो फ़ाइनल, उसकी प्राइस करने के बाद हमने इस बोरी की प्राइस फ़ाइनल कर ली, और हमने ये 6 kg की फुल बोरी ले ली, क्योंकि पाकिस्तानी आलू तो यूज़ होते रहते हैं और मैं पाकिस्तानी मार्केट से पहले लाती हूँ। और फिर ये मैं आज तक मैं पाकिस्तान की मंडी में मैं बिल्कुल नहीं गई, ना ही हमारे यहाँ ट्रेंड है, शहरों में ट्रेंड है, लेडीज़ जाती रहती हैं फ्रूट वेजिटेबल मार्केट, लेकिन हमारे यहाँ हमारा जो ताल्लुक़ है वो एक मीन टाउन से है, और हमारे यहाँ टाउन में इतना सब्ज़ी मंडी में जाने का एक रवाज नहीं है, और हमारे जो जेंट्स हैं वही शॉपिंग करके आते हैं, तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं वहाँ भी ऐसा होता होगा। लेकिन यहाँ मुझे एक और भी बात अजीब लगती है कि हर सब्ज़ी वाला हर फ्रूट वाला वो आपको बुला के कहता है कि आप ये ले लें ये ले लें, इतनी प्राइस है, इतनी डिस्काउंट में मिलेगी, ये इस ब्रांड की है, ये अच्छी है, मीन मुख्य वो आपको फुली कन्विंस करते हैं और आपको फोर्स करते हैं, कि फिर एक इस चीज़ की मुझे एक ज़रा बड़ा अजीब फील होता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है जिसको जो जो चाहिए वो कर लें, लेकिन इसी तरह नहीं, वो स्पेशल बोलियां लगाते हैं, अगर एक एक चीज़ में इतने में देता है दूसरा उसके अपोजिट वाला कहता है नहीं आप, मैं आपको इतनी डिस्काउंट दे देता हूँ, तो इस तरह के एक्सपीरियंस होते रहते हैं। मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी रोज़ा लगा हुआ था, वो उन्होंने कहा, उनको तो बड़ी जल्दी थी, वो कहते बस ले लिया हर आइटम के बाद ले लिया और तो नहीं कुछ लेना, चलें चलें। मैंने कहा आज मैं अगर आ ही गई हूँ आपके साथ गलती करके आप मुझे ले ही आए हैं, उन्होंने कहा नहीं इस भाई को भी हमने साथ रखा हुआ है,
20 मिनट से आधा घंटा होने वाले हैं, तो इसको बेचारे को भी फ़ारग कर देते हैं, हो सकता है उसको कोई और कस्टमर मिल जाए। तो ये भाई हमारे साथ था, इसने ट्रॉली में सारे हमारे आइटम जो हमने बाय किए वो रखे हुए थे, तो ये हमारे साथ साथ था अनटिल कि हमारी शॉपिंग फिनिश ना हो जाए। मैं साथ साथ वीडियो भी बना रही थी और चुप चुप के वीडियो बना रही थी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जेंट्स थे, मेल थे, मुझे ज़रा अजीब लग रहा था। लेकिन मैंने ग्लासेस लगाए हुए थे और मैं वो मुझे नहीं देख सकते थे कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं और मैं किधर देख रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने बड़ी मज़े से अपनी जो है ना वो फुली अपना माइंड अटेंशन करके साथ साथ वीडियो बनाती रही हूँ। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर ये एक्सपीरियंस शेयर करूं कि ताकि आप लोग भी अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का, तो आप ज़रूर जाएं। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने ये यहाँ आके प्राइस पहले भी चेक की हुई थी, जिसकी वजह से मैंने उसका आज विज़िट किया है, और यहाँ वाकया ही डिस्काउंट होती है, बहुत ज़्यादा आपकी मीन के आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली, आपकी फैमिली को फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ चीज़ें डिवाइड कर लें, आप ज़्यादा चीज़ ले लें, मीन इस तरह भी हो सकता है कि आप जाएं और ज़्यादा शॉपिंग करके आएं, तो अपने फैमिली फ्रेंड से आप 50-50 कर लें, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन आपको फ़ायदा सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि आप क्वान्टिटी में चीज़ें ज़्यादा आपको लेनी पड़ेंगी। हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट और बस अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, और 1.5 आवर हो गया था हमें अंदर, हम इतने टाइम से अंदर थे, अंदर टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता, इतना जल्दी टाइम गुजर जाता है। और ये भाई जिनको हमने हायर किया था ये अभी हमारे साथ साथ ही हैं, और बस हमें ये पार्किंग तक छोड़ेंगे और हमारा सामान हमारी गाड़ी में ड्रॉप करके तो ये वापस जाएँगे। बस हम लोग बिल्कुल अभी गाड़ी की पार्किंग के करीब हैं और ये भाई अभी हमारी हेल्प करेंगे हमारा सामान गाड़ी में रखने के लिए। तो आप भी मेरे साथ रहें और मैं आपको घर जाके डिटेल से बताऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की और किस तरह की, और मैंने क्या क्या इतनी मज़े की मैंने जो फ्रूट्स हैं वो आज से ही मेरे दिल पसंद के जो है ना वो ले लिए मैं। वेलकम बैक, और मैं घर पहुँच गई हूँ और मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि मैं आज वेजिटेबल और फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से क्या लाई हूं। और आप यकीन करें कि इतनी वहां प्राइस इतनी कम होती है सुपरमार्केट की नस्बत। तो जो मैंने लिया है, मैं ऑरेंज का जूस जो है वो यूज़ करती हूं, जिसके लिए ये मैं ऑरेंज लाई हूं, ये स्पेन के ऑरेंज हैं और ये हैं मिस्र के, ये मिस्र के लाई हूँ, ये भी मिस्र के लाई हूँ, इनमें से ना जो रस है ना वो ज़्यादा निकलता है। तो ये ऑरेंज में लाई हूँ जूस के लिए, क्योंकि अफ्तारी में हम लोग, अफ्तारी हो या रमज़ान के बाद भी, अभी जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो हम लोग ऑरेंज का जूस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है ऑरेंज और वाटरमेलन, ये दोनों का जूस, और मिल्क शेक हम लोग स्ट्रॉबेरी का यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा अगर मैं आज आई हूँ, मेरे से डेली तो आ नहीं सकती, तो इसीलिए फिर मैं आज ये काफ़ी सारे ऑरेंज लेके आई हूँ। और ये मैं लाई हूँ बनाना, बनाना हमारे घर में और कोई भी नहीं खाता सिवाय हमदान के, वो कभी कभी खा लेता है। तो बनाना भी इतना अच्छा था और सारा पका हुआ बनाना था, सही फुल जैसे पका हुआ होता है ना बनाना। तो हमने काफ़ी तगड़ों के बाद जब देखा कि कच्चा ना लें, पक्का ही लें ताकि यूज़ हो जाए, तो बनाना कुछ इसी किस्म का था, सही पका हुआ। तो ये लाए मैं बनाना। और जी हस्बैंड की फेवरेट चेरी, ये चेरी टर्की की चेरी है, और उन्होंने उसने कहा जिससे हमने ली है ना, वो कह रहा था कि ये उसके पास सिर्फ ये मतलब चेरी का स्टॉल था, और हमें किधर भी ये चेरी नज़र नहीं आई, चेरी और स्ट्रॉबेरी ये हमने बड़े मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के पूछ के कहा है कि वो किधर से मिलेगी। तो ये सिलेक्टिव ऐसे स्टॉल थे जिनमें ये चेरी थी और स्ट्रॉबेरी थी, क्योंकि ये कम लोग ही वैसे खाते हैं चेरी, तो हमें बड़ी पसंद है। हम जब टर्की गए थे ना तो टर्की की चेरी हमने कहा कि बस, हमने वहाँ दिन रात खाई चेरी थी टर्की में। तो ये लाई हूँ जी मैं चेरी, और उसके बाद ये लाई हूँ जी स्ट्रॉबेरी, इतनी स्ट्रॉबेरी फ्रेश, और जो भी मैं जहाँ भी देखती थी ना सारी पकी हुई, मैंने ज़्यादा नहीं ली, मैंने कहा ये ख़राब हो जाती है, तो बस मैंने इतनी ली है ये। तो ये चेरी, और ये भी काफ़ी मीठी लग रही है, हमदान को भी मैंने टेस्ट करवाई है घर आके, तो हमदान कह रहे हैं मामा बहुत मीठी है। और ये जी ग्रेप्स, ये भी ग्रेप्स भी हमदान ही खाता है, तो जो चीज़ जितनी कोई खाता है मैं उतनी ही लाई हूँ। और जी मेरा फेवरेट धनिया, मुझे धनिया बड़ा अच्छा लगता है, और आज तो हमने बनाने ही चावल थे, और चावलों में तो मैं कहती हूँ ज़्यादा डालें, जैसे ग्रीन ग्रीन नज़र आए धनिया,
तो बल्कि हस्बैंड ने कहा कि धनिया घर में पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा नहीं पड़ा हुआ भी है लेकिन मैंने लेके जाना है, तो ये धनिया मैं लाई हूँ। और उसके बाद ये एप्पल, एप्पल पहले घर में भी पड़े हुए थे तो हमने बस यही एप्पल लिए हैं। और जी मेरे अपने मुल्क का आम अभी सबज सबज आया है, उन्होंने कहा है कि बाहर ये रखेंगे तो ये खुद ही पक जाएंगे, इससे ज़्यादा और पके हुए थे नहीं। तो ये आम की पेटी है, इसके नीचे भी आम ही हैं सारे, वो भी ग्रीन ग्रीन ही हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये आप ना एक दो दिन इनको बाहर रखेंगे तो खुद ही ये पक जाएंगे, क्योंकि अभी मौसम मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी इतना, घर वालों ने मुझे बताया तो नहीं इतना नहीं आया था, लेकिन ये मीठा था, मैंने कहा मिल्क शेक में चल जाएगा, तो मिल्क शेक के लिए आम ज़्यादा यूज़ होता है, अभी खाने वाला तो आम नहीं आया। और उसके बाद ये पाकिस्तानी आलू भी थे मंडी में इस दफ़ा, हालांकि मैं पहले एक दो तीन दफ़ा गई हूँ मंडी, लेकिन पाकिस्तानी आलू जो है वो नहीं मिलते, तो ये पाकिस्तानी आलू भी इस दफ़ा आए हुए थे मंडी में, तो मैंने ये भी ले लिए हैं। तो ये आज जो मैं फ्रूट है वो लेके आई हूँ। और सब्जियां तो अभी खाते ही नहीं है, जैसे रमदान है जिसकी वजह से सब्जी कम यूज़ होती है, तो मैंने कोई भी सब्जी नहीं ली, बल्कि रात को मैं यूनियन कोऑपरेटिव गई हुई थी तो वहाँ से मैं प्याज और लहसुन वगैरह तो लेके आ गई थी, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पेश आई किसी भी सब्जी की। तो बस मैंने ये फ्रूट के लिए बेसिकली मैं गई थी फ्रूट के लिए। और उसके अलावा जी मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरा फेवरेट, जिसके लिए मैंने माइंड बनाया और मैंने हस्बैंड से कहा कि इधर से मार्केट से लेते हैं तो इतना महंगा मिलता है, 20 दिरहम तक हमें, 20-25 दिरहम का हमें एक वाटरमेलन बिल्कुल छोटा सा मिलता है, और हम डेली उसका जूस निकालते हैं वाटरमेलन का। तो वाटरमेलन का तो ये भी है कि वो ख़राब भी नहीं होते, अगर आपका वाटरमेलन बच गया है या ज़्यादा है तो आप उसको काट के फ्रीज कर लें। तो मैं इसलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि मैं आज कितने वाटरमेलन लेके आई हूँ। जी तो मेरे फेवरेट वाटरमेलन ये मैं अपने लिए लाई हूँ, वाटरमेलन देखें 6 वाटरमेलन मैं लेके आई हूँ, और काफ़ी बड़े बड़े वाटरमेलन हैं ये, इधर जो मार्केट से हमें मिलते हैं ना छोटा छोटा वाटरमेलन मिलता है, और ये है ईरान का, ये ईरान से आता है, ये दुबई का नहीं है, ये उधर से इम्पोर्ट होके आता है। तो काफ़ी इतने रेड, बल्कि एक तो हमने एक जो है वो उसे कहा कि आप चेक करो, हमें चेक करके दो, उसने कहा नो इशू आप सारे चेक करके ले लें। तो जब उसने एक कट किया ना तो देखें आप, एक उसने कट करके हमें दिखाया था और कितना रेड है देखें। तो फिर अभी ने कहा कि नहीं रहने दो सारे ऐसे ही नाम कटिंग करवाओ, तो ये ना हमने कटिंग करके एक टेस्ट किया था। तो वाटरमेलन का जूस गर्मियों के लिए बहुत स्पेशल एक ड्रिंक है। तो ये जी आज मैं लाई हूँ ये सारा कुछ जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, और अभी मेरे से बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरा रोज़ा है, और वहाँ भी वो थे ना ज़्यादा बंगाली होते हैं ये वेजिटेबल फ्रूट मार्केट, पाकिस्तानी भी थे और बंगाली भी थे जो भी सब्जियाँ बेचते हैं, वो बार बार मुझे कहते हैं हाँ आप चेक कर लें, आप ये चेक कर लें मीठा है। मैंने कहा भाई मेरा रोज़ा है, और मेरे से सम टाइम जब वो बार्गेनिंग करते हैं रेट पे, वहाँ बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है, तो मैंने कहा नहीं भाई मेरा, मेरे से तो भी बोले ही नहीं जा रहा, ना मेरे में इतनी हिम्मत है, जो चीज़ अगर मैं इतना कह रही हूँ इतने रेट में देनी है तो ठीक है। तो इस तरह करके फिर मैं लेके आ गई, तो इसलिए अभी मेरे से बोला नहीं जा रहा। आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, काइंडली कमेंट्स किया करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें। आपने ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मेरे लिए भी दुआ किया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।